सुनो सुनो सुनो, क्यूटी मार्क्स की ये मीटिंग अब शुरू होती है, तो बताओ रोल कॉल कौन करना चाहेगा? पर हम सब तो यही मौजूद हैं। हाँ, एप्पल ब्लूम आखिर बात क्या है? ओह, कुछ खास नहीं, बस बैच सीट का खत आया जिसमें लिखा है उसे अपना क्यूटी मार्क मिल गया है। क्या? उसने लिखा है कि वो एक सिसर्स है। तो वो चीजों को काटने में माहिर है? हाँ बिल्कुल, वो हमेशा अपने सर और पूंछ के बाल काटती रहती थी। मुझे लगता है वो एक दिन बड़ी होकर सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट बनेगी। पर अगर वो अपना सारा वक्त बाल काटने में बिताएगी तो फिर मैनहट्टन सीएमसी कौन चलाएगा? वेल, बैब्स तो नहीं, अब उसे अपना क्यूटी मार्क मिल गया है तो वो एक क्यूटी मार्क क्रुसेडर नहीं रही। ओह वाओ, मेरे ख्याल से तुम सही हो। मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि वो खुश है, पर मुझसे पूछो तो मैं दिन भर बालों में डूबी रहना नहीं चाहूँगी। जरा सोचो, ऐसे क्यूटी मार्क मिल जाए जो तुम्हें पसंद ही ना हो। नहीं, या मैंने तो नहीं सोचा। फिक्र मत करो एप्पल ब्लूम, तुम्हारे परिवार में सबके पास एप्पल्स वाले क्यूटी मार्क्स हैं, तुम्हारे पास भी वही होगा। आखिर एप्पल्स किसे ना पसंद है? उनके बीच का हिस्सा और खट्टे एप्पल्स और सड़े हुए एप्पल्स और एप्पल्स जिनमें कीड़े हो। क्या गलत टाइमिंग थी? दिल जो है स्ट्रॉन्ग भी, शेयरिंग काइंडनेस है इजी और मैजिक से ही जिंदगी मेरी दोस्ती ये दोस्ती है पक्की। मुझे लगता है मैं क्यूटी मार्क पाने के बारे में सोचकर इतना परेशान थी कि मैंने तो ये भी नहीं सोचा कि उसके बाद क्या होगा। ऐसी बहुत सी चीजें जिनके बारे में मैंने सोचा ही नहीं। हाँ बेशक होगी, लेकिन तुम्हें भी। क्या होगा अगर मुझे क्यूटी मार्क मिल गया और वो मुझे पसंद ही नहीं? या क्या होगा अगर उसके बाद मुझे कोई बोनी पसंद ही ना करे? ये बिल्कुल बकवास। अगर क्रुसेडर्स अलग अलग हो गए, मेरा मतलब फिर हम क्यूटी मार्क क्रुसेडर्स नहीं रहेंगे। अगर वो एप्पल नहीं हुआ तो क्या मुझे यहाँ से जाना होगा? फिर मैं कहाँ जाऊँगी? ठीक है, बस बहुत हो गया शुगर क्यूब, एक रात के लिए इतने सवाल बस काफी है। मगर और कोई भी पोनी तुम्हें यहाँ से नहीं निकालेगी। तुम सच कह रही हो एप्पल जैक? बेशक मैं सच कह रही हूँ। चलो अब सो जाओ, तुम देखना सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो जाओ प्यारी बहना, तुम सबसे प्यारी हो, तुम्हारे ही दोस्त रहेंगे वो, तुम चाहे जहाँ रहो। चिंता की बात नहीं है, बस रोना बंद करो, कुछ भी नहीं बदलेगा चाहे क्यों दिमाग हो ना हो। चाहे मुझे कुछ भी मिले। रात की अच्छी नींद जैसा कुछ भी नहीं। ब्रेकफास्ट। तुम सही थी एप्पल जैक, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं कल रात मैं इतना क्यों डर रही थी। देखा, मैंने कहा था ना, अच्छी नींद आने से सब ठीक हो जाएगा। वेल, अब समझ आया तुम इतनी परेशान क्यों थी। क्या क्या हुआ? लगता है तुम्हें क्यूटी मार्क मिल गया है। हा? मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे मेरा क्यूटी मार्क मिल गया। मुझे मेरा क्यूटी मार्क मिल गया। मुझे मेरा क्यूटी मार्क मिल गया। मैं जल्दी से जाकर सबको बताती हूँ कि मेरा क्यूटी मार्क है। ये क्या है? मुझे बिल्कुल नहीं पता इसका मतलब क्या है। लेकिन मुझे पता है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है मैं रिटायर हो सकता हूँ। क्या बीमारी? आपका मतलब जैसे कीड़े? प्लीज, कीड़ों से तो कोई भी पोनी छुटकारा पा सकती है। मैं बात कर रहा हूँ बहुत ही सीरियस मामले की। क्या तुमने कभी सुना है ट्विटर माइट्स के बारे में? ट्विटर माइट्स? तुम्हारे और मेरे जैसी पेस्ट पोनीज ही इन बिजली के तारों को आधे से ज्यादा इक्वेस्ट्रिया को बर्बाद होने से रोक सकती हैं। पेस्ट पोनीज? ये कोई आसान काम नहीं है। हम में से बेस्ट भी उस दिन का ख्वाब देखते रहते हैं जब वो हरी घास देख सके।
और जब तुम मेरी जगह लेने आ गई हो, मेरा वो दिन आ गया है। जगह लेने? अगर तुम कुछ सीखना चाहती हो तो मेरी बातें दोहराना बंद करो और ध्यान दो। मुझे माफ कीजिए, मेरे ख्याल से मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। चिंता मत करो, इस तरह के क्यूटी मार्क के साथ मुझे यकीन है तुम्हारे पास वो टच है। वो टच? ओह सॉरी। अब तुम्हें जरा जल्दी करनी पड़ेगी, एक बार ये चीजें बाहर आ जाएं तो ये बहुत शॉकिंग हो सकती है। रुकिए, क्या मतलब है आपका? कहा था ना, ये जितनी दूर फैलेंगे इनका करंट उतना ही ताकतवर होता जाएगा। मुझे क्या करना है? उन्हें वापस बुलाओ और क्या। ट्विडमाइट्स, यहाँ। ठीक है, लगता है अब तुम पूरी तरह से सेट हो। मुझे खत लिखते रहना पाइनी शेड रिटायरमेंट कम्युनिटी में। जरा रुकिए, मुझे यकीन है ये काम बेहद जरूरी है, पर मुझे नहीं लगता मैं अपनी सारी जिंदगी ये करना चाहूँगी। हे, वो कहाँ गए? वेल वेल वेल, जरा इस नई बक पोनी को तो देखो। वो पेस्ट पोनी है। हाँ, होता होगा। मुझे पता था तुम्हें दुनिया का सबसे घटिया सा क्यूटी मार्क ही मिलेगा। पर जरा दूसरी तरफ देखो तो, जब भी तुम्हें एक दोस्त की जरूरत पड़े तो तुम जाकर उसे पकड़ सकती हो। ये कोई मजाक नहीं। आ जाओ दोस्त 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 दोस्त, बंद करो। यहाँ आओ बग, आ जाओ बग। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? क्योंकि और कोई पोनी मुझसे दोस्ती नहीं करती। पता है क्या, मेरा क्यूटी मार्क बुरा नहीं है, तुम दोनों हो। दरअसल डायमंड टियारा सही कह रही है, पर मुझे इस क्यूटी मार्क की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तो फिर तुम्हें इसे रखने की क्या जरूरत है? कौन है, क्या चाहिए? अगर तुम्हें अपने क्यूटी मार्क से इतनी ही तकलीफ है तो इसे छुटकारा पा लो। वेल, अगर तुम अपना पांव उठाकर इसे गायब कर सकती हो तो आगे बढ़ो और कर दिखाओ। तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। पर ये तो काफी मुश्किल जादू लगता है। हे, सारी पोनीज कहाँ भाग रही हैं? मेयर, क्या हो रहा है? एप्पल ब्लूम, तुम्हें परिवार को यहाँ से बाहर निकालना होगा। कितना डरावना सपना था, सब कुछ कितना असली लग रहा था। ब्रेकफास्ट। एप्पल जैक, तुम्हें यकीन नहीं होगा मैंने क्या सपना देखा।
मेरे ख्याल से मुझे नींद की सख्त जरूरत थी। देखो मैंने कहा था ना, अच्छी नींद आने से सब कुछ ठीक हो जाता। वेल, अब समझ आया तुम इतनी परेशान क्यों थी। क्या लगता है तुम्हें अपना क्यूटी मार्क मिल गया है? फिर से? मेरा मतलब मुझे मिल गया? वूहू! काढ़ा बनाने वाला, अब ये हुई ना बात। कौन सी बात? कुछ नहीं, मैं बस खुश हूँ कि प्रिंसेस ट्वाइलाइट के लेसन्स मेरे कितने काम आ रहे हैं। ख्याल से तुम दौड़कर अपनी दोस्तों को भी अपने नए क्यूटी मार्क के बारे में बताना चाहोगी, लेकिन जाने से पहले ध्यान रहे तुम निपटा लो अपने साथ। कॉम तुम इतने खुश क्यों हो? हाँ आखिर बात क्या है? ओह कुछ भी तो नहीं, सिवाय इस ब्रांड न्यू क्यूटी मार्क के। वाह ये तो शानदार है। मुझे नहीं लगता तुम दोनों को अपने मार्क्स मिले होंगे। नहीं मुझे भी नहीं। मैं जानती हूँ ये बचकानी बात है, पर मुझे हमेशा लगता था हमें साथ में मिलेंगे। मुझे भी, पर मैं फिर भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। हाँ बिल्कुल जानती हूँ। चलो मीटिंग शुरू करते हैं, हम तीनों मिलकर पता लगाएंगे कि दो और क्यूटी मार्क्स कैसे हासिल करने हैं। हाँ वो बात ये है कि क्या? वेल, अब जब तुम्हें अपना क्यूटी मार्क मिल गया है तो तुम एक क्यूटी मार्क क्रुसेडर नहीं रही। ओह हाँ बिल्कुल बैट सीट्स की तरह। वेल, मैं बस यहाँ चुपचाप कोने में बैठी रहूंगी जब तक तुम दोनों सोचो क्या करना है। वेल, टेक्निकली ये क्लब हाउस सिर्फ क्रुसेडर्स के लिए है। ओह हाँ तो फिर मेरे ख्याल से मैं बाद में आती हूँ। किस लिए? मेरा मतलब तुम तब भी अंदर तो नहीं आ पाओगी। ओह रूल्स तो रूल्स होते हैं। मुझे तो अब ये भी नहीं लगता कि हमें दोस्त रहना चाहिए। क्या? स्वीटी बेल, स्कूटलू, कम ऑन फिलीस, ये अच्छा मजाक नहीं है। क्यूटी मार्क्स ने फिर परेशानी में डाल दिया। नहीं मेरा मतलब, हाँ मेरा मतलब, वेल मुझे अपना मिल गया पर मेरे दोस्तों को उनका नहीं मिला और इस वजह से बहुत सारी मुश्किलें आ गई हैं। मुझे तो लगता है कि क्यूटी मार्क और मुसीबत एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। शायद हाँ, मेरा मतलब अगर मैं फिर से खाली फ्लैंक बन जाती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। हे एप्पल ब्लूम, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? वेल, खाली फ्लैंक्स वालों को कहीं तो मिलना ही होगा ना। दरअसल एप्पल ब्लूम, वो हम दोनों को भी अपने क्यूटी मार्क्स मिल गए हैं। सच में? तुम्हें क्या मिला? हमारे पास उस सब के लिए टाइम नहीं है। और हमारे पास उस पुराने क्लब हाउस में खेलने का टाइम भी नहीं है। हाँ, अब हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ आ गई हैं। पर हम तुमसे शायद बाद में मिलेंगे। बहुत बाद में। रुको जरा सुनो, मैं अपना क्यूटी मार्क वापस पा सकती हूँ शायद। मेरा मतलब वो मुझे एक बार मिल गया था। बस एक सेकेंड रुको। इक्वेस्ट्रिया के नाम पर ये क्या हो रहा है? ब्रेकफास्ट। मुझे नहीं लगता नींद इतना भी अच्छा इलाज है जैसा आप एप्पल जैक को लगता है। एप्पल जैक, मुझे याद है तुमने कहा था नींद लेने के बाद मुझे बेहतर महसूस होगा, पर मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा। देखा मैंने कहा था ना, अच्छी नींद आने से सब कुछ ठीक। वेल, अब समझ आया तुम इतनी परेशान क्यों थी। देखा मैंने कहा था ना, एक अच्छी नींद सब कुछ ठीक। वेल, ये क्या है? क्या बात है ग्रैनी, क्या गड़बड़ है? कुछ नहीं है ना एप्पल जैक। हाँ कुछ भी नहीं है ना बिग मैक। सच तो ये है एप्पल ब्लूम, वो तुम्हारा क्यूटी मार्क है। यप। ओ नहीं, इस बार वो क्या है? ठीक है, मैं तुम्हें बता दूं कि वो एक एप्पल नहीं है। नहीं क्या? और हमारे यहाँ नॉन एप्पल्स के लिए कोई जगह नहीं है। नुप। वक्त है तुम्हारे यहाँ से चलते बनने का, तुम यहाँ नहीं रह सकती। पर ये मेरा घर है।
ओह, तुम्हें अपना नाम बदलना होगा। हाँ। मेरे ख्याल से सिर्फ ब्लूम अच्छा रहेगा, क्या कहती हो एप्पल जैक? यप। ठीक है, ये बहुत ही अजीब हो रहा है। हाँ, ये मुझे नहीं पता था क्यूटी मार्क ना मिलने पर मैं इतनी खुश होंगी। ये क्या? इतनी जल्दी वापस आ गई? ठीक है, तुम जो भी हो, मैं नहीं जानती कि तुमने मुझ पर क्या जादू किया है, पर मैं चाहती हूँ तुम ये सब अभी इसी वक्त बंद कर दो। मैंने कोई जादू नहीं किया, तुम पर या किसी और पर। मैंने तो बस वही किया जो तुम चाहती थी। मैं क्यों चाहूँगी कि तुम मुझे बुरे सपने दिखाकर परेशान करो? तुम बग्स पकड़ना नहीं चाहती थी और मैंने मदद की। तुम अपनी दोस्तों को खोना नहीं चाहती थी और मैंने मदद की। अगर तुम्हें अपने परिवार से कोई प्रॉब्लम है तो शायद मैं उसमें भी तुम्हारी मदद कर सकूं। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, बस मुझे दूर चली जाओ। ओ एप्पल ब्लूम, तुम अपनी परछाई से भाग नहीं सकती। प्रिंसेस लूना, मेरी परछाई, आपका क्या मतलब है? क्या ये मैं हूँ? तो आपका मतलब मैं खुद ये सब कर रही थी? हाँ बिल्कुल एप्पल ब्लूम, ये तुम्हारा सपना है। अगर मैं इतनी देर से सपना देख रही थी तो फिर मेरी नींद क्यों नहीं खुली? कभी कभी हम किसी चीज के बारे में सोचकर इतना परेशान हो जाते हैं कि हमें लगता है हम किसी बुरे सपने में फंस गए हैं। क्या ऐसी कोई चीज है जिससे खासकर तुम्हें डर लगता है एप्पल ब्लूम? हाँ, मेरे ख्याल से मैं अपने क्यूटी मार्क को लेकर बहुत परेशान हूँ। वेल, तुम ये सोचकर परेशान हो कि तुम कौन हो? क्यूटी मार्क का मतलब भी तो वही होता है। अगर तुम खुद को जानकर खुश नहीं हो तो फिर सारी जिंदगी बुरे सपने की तरह हो जाती है। पर अगर मैं खुद से खुश हूँ तो बाकी पोनीज भी मुझे पसंद करेंगी? बिल्कुल करेंगी। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा क्यूटी मार्क क्या है? बिल्कुल नहीं। पर ये तो कितना आसान है, शायद मैं दुनिया की एक लौती पोनी होंगी जो अपने क्यूटी मार्क को लेकर इतनी परेशान होगी। ओ, मुझे ऐसा नहीं लगता। रात काफी लंबी रही, पर मुझे लगता है अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। प्रिंसेस लूना, पता है तुम सबके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, पर मेरे ख्याल से एप्पल ब्लूम तुम्हारे जागने से पहले तुम दोनों से कुछ कहना चाहती है। हम अब भी नींद में हैं? कूल। वेल, मेरे ख्याल से मुझे क्यूटी मार्क क्रुसेडर्स की सपने वाली मीटिंग को शुरू करना चाहिए। मैं जानती हूँ हम सब बहुत परेशान हो गए जब हमने सुना बैब्स को उसका क्यूटी मार्क मिल गया, पर
मैं नहीं चाहती कि मैं हर रात ऐसे डरावने सपने देखूं जब तक हमें अपना क्यूटी मार्क नहीं मिल जाता। मैं भी। और माना कि हम सब थोड़ी डरी हुई हैं, मगर क्यूटी मार्क ना हमें बदल सकता है और ना ही हमारे बारे में सब क्या सोचते हैं। ये लक की बात है कि हम तीनों एक ही चीज से डरी हुई हैं। इस तरह से हम एक दूसरे को समझा सकते हैं कि जैसे हैं वैसे ही रहना चाहिए। और जब भी वो दिन आएगा जब तुम्हें अपने क्यूटी मार्क मिल जाएंगे तो जान लो कि वो तुम्हें बिल्कुल सही फिट होगा। बिल्कुल सही कहा। क्या तुम्हें लगता है कि बाब्स भी ये सब सोचकर परेशान हो रही होगी? मुझे पता है, चलो हम सब मिलकर उसके लिए केयर पैकेज तैयार करते हैं। इस तरह से उसे लगेगा कि वो अकेली नहीं है। हम नहीं चाहते कि उसे ऐसा लगे कि अब वो क्रूसेडर नहीं है, तो इसका मतलब हम दोस्त भी नहीं रह सकते। पर शायद हमें अपने जागने तक इंतजार करना चाहिए। गुड आइडिया। चिंता की बात नहीं है, बस रोना बंद करो। चाहे मुझे कुछ भी मिले उससे फर्क नहीं पड़ता। वेल, लगता है कोई बहुत बेहतर महसूस कर रही है। तुम्हें कोई अंदाजा भी नहीं है। देखा, मैंने कहा था ना, रात की अच्छी नींद सब कुछ ठीक कर देती है। हाँ लगता तो है, बस मुझे इतनी थकान ना महसूस हो रही होती।